दोस्तों वोटर आईडी कार्ड हमें वोट डालने की सुविधा देता है। इसके साथ ही साथ वो हमारे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के रूप में भी काम करता है। जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक की हो चुकी है वो अपना वोटर आईडी कार्ड मुफ्त में अपने घर मंगवा सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके लिए बस आपको चाहिए केवल एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका अपना आधार कार्ड और आपके किसी फैमिली मेम्बर, आपके माता पिता, आपके हस्बैंड या किसी अन्य फैमिली मेम्बर का एक वोटर आईडी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी काफ़ी आसानी से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपने घर बैठे ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं अपने वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर पे हम सर्च करेंगे voters.tci.gov.in। इसके बाद हमारे पास एक नया पेज खुलकर आएगा, वोटर सर्विस पोर्टल। वोटर सर्विस पोर्टल में राइट अपर कॉर्नर पे हमें एक बटन दिखाई देगा साइन अप। हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही हमें हमारा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। ईमेल एड्रेस आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आपकी मर्जी ना हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। चलिए हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है, कैप्चा फिल करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास एक नया पेज खुलेगा, उसमें अपना नाम, अपना पासवर्ड, हम जो चाहे अपना पासवर्ड बना के रख सकते हैं। अपना पासवर्ड डालकर हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही हमारे फ़ोन में एक ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही इस वेबसाइट में मैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़कर हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिल करते हैं, कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही फिर हमारे पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफायर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब वेबसाइट पे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे फॉर्म्स का कॉलम आ रहा है। हमें नया वोटर आईडी अप्लाई करना है, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स पे हम फिल करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्म 6 फिल करना होता है, हम फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास नया पेज खुलकर आ जाएगा, हम इस फॉर्म को आगे ऑनलाइन फिल करेंगे। आप देख सकते हैं हमें इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना है, लेफ्ट साइड में हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। हम एक एक करके इसे देखकर आराम से फिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और सेलेक्ट करते हैं अपना स्टेट। मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब हम अपना असेंबली कंस्टिट्यूएंसी चूज करेंगे। चूज करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है हमारा नाम। हम अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में फिल करेंगे। इस वेबसाइट की एक खासियत है कि आप यहाँ पे अंग्रेजी में नाम फिल करेंगे, फिल करते ही आपका नाम हिंदी में नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। हम अपना सरनेम फिल करेंगे। चलिए देखिए हमारा सरनेम ऑटोमेटिकली हिंदी में फिल हो गया। अब बारी है हमें फ़ोटो सेलेक्ट करने की। हम अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। हमने ब्राउज पे क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हो गया। हमें एक मैसेज आया, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। आप ध्यान रखेंगे कि अपना साफ सुंदर और स्पष्ट तस्वीर ही इस वेबसाइट में अपलोड करें, वरना आपको अपलोड करने में दिक्कत आ सकती है। ओके पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें पूछा जा रहा है हमारे रिलेटिव का नाम, पिताजी, माँ, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्जियन। हम इन्हीं में से किसी एक को चूज कर, जो आपके केस में अप्लाइड हो उसे चूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अपने फादर का नाम फिल करेंगे, अपने फादर का सरनेम फिल करेंगे। फिल करके हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ हमारा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी का सेक्शन है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, वरना बिना ईमेल आईडी के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें आधार डिटेल्स मांगा जा रहा है, हम अपना आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर फिल करेंगे। चलिए हमने अपना आधार नंबर फिल कर लिया है। इसको फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें जेंडर पूछा जा रहा है, हम मेल सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट कॉलम में हमें पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, हम अपना डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में फिल करेंगे। आपके आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट लिखा होगा, आप उसे देखकर यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर। यहाँ हमें पूछा जा रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड। हमें अपना यहाँ आधार कार्ड अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आधार कार्ड के अलावा और भी कई ऐसे प्रूफ हैं जिनको आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं, इसलिए जो आपके पास उपलब्ध है आप वो अपलोड कर सकते हैं। चलिए ब्राउज पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं। आधार कार्ड अपलोड हो गया है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस कॉलम में हमें हमारा प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉलम है। हम अपना प्रेजेंट एड्रेस अपने आधार कार्ड या अपने फैमिली मेम्बर के वोटर आईडी में देखकर यहाँ इस कॉलम में फिल करेंगे। हम अपना हाउस नंबर फिल करेंगे, एरिया लोकेलिटी फिल करेंगे, पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के कॉलम में जाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें एड्रेस प्रूफ के रूप में अपलोड करना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास आधार कार्ड है, मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। इस कॉलम में आपको जो भी दिखाई दे रहा हो, आपके पास जो उपलब्ध हो, आप एड्रेस प्रूफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं। हमने आधार कार्ड सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें पूछा जा रहा है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो ये कॉलम आपको फिल करना होगा। आप अपना इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, हमारे केस में ये नो होगा। नो पे क्लिक करके हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ मांगा जा रहा है हमारे फैमिली मेम्बर का वोटर आईडी कार्ड। जो मैंने वीडियो शुरू करते वक्त आपको बताया था, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का एक वोटर आईडी लेंगे, उनका नाम फिल करेंगे, उनसे रिलेशन फिल करेंगे और उनका एपिक नंबर इस कॉलम में फिल करेंगे। चलिए हमने अपना फिल कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही डिक्लेरेशन का एक कॉलम आएगा, हम यहाँ पे अपना विलेज टाउन एरिया फिल करेंगे। चलिए हमने फिल कर लिया है अपने टाउन का नाम, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में हमसे पूछा जा रहा है कि इस एड्रेस में हम कब से रह रहे हैं। आप जब से यहाँ रह रहे हैं वो मंथ और ईयर आप यहाँ फिल करेंगे। चलिए हमने फिल कर लिया है मंथ और ईयर। आगे यहाँ प्लेस पूछा जा रहा है, हम प्लेस पे अपना एरिया फिल करेंगे जिस एरिया से इस फॉर्म को हम फिल कर रहे हैं ऑनलाइन। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, कैप्चा फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही हमारे फ़ोन पर फिर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहाँ हम फिल करेंगे। चलिए हमने ओटीपी फिल कर लिया है। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात, इतना सब कुछ करने के बाद हम अपने फॉर्म को फिर से एक बार पुनः सब कुछ चेक कर लेंगे, कोई अगर गलती हो तो डिटेल्स हम फिर से उसे सुधार कर आगे बढ़ेंगे। चलिए हमने अपना फॉर्म पूरा फिर से चेक कर लिया है, अब हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास सामने फॉर्म 6 खुलकर आ जाएगा, जो हमने फॉर्म 6 वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन फिल किया है उसका पूरा डिटेल्स हमारे पास खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपने क्या क्या फिल किया, आप इसमें चाहें तो कुछ सुधार भी कर सकते हैं। अगर आपका डेटा सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको सुधारना है तो कीप एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, नहीं तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे पास हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारे सामने आ जाएगा, हम अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड करके रख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर के माध्यम से हम अपना वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फॉर्म पूरा फिल होने के बाद पहले BLO उसके बाद ERO के पास जाता है, वहाँ से फाइनल अप्रूव होकर वहाँ से आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। आप अपना वोटर आईडी ऑनलाइन उसी वेबसाइट के माध्यम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके कुछ सुझाव हो, इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।